बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मौजज़ अदालत ने मुझे और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था इंतज़ामिया के साथ कि क्यों अभी तक फैज़ाबाद इंटरचेंज खाली नहीं कराया जा सका, और इस हवाले से मैंने अदालत को अपनी कोशिशों से आगाह किया कि हम हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए फैज़ाबाद इंटरचेंज को खाली कराया जाए। और इस ज़मन में पिंडी इस्लामाबाद के जो सफ़े अव्वल के मशायख़ कराम हैं, उलमा कराम हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशों को शामिल किया है, और हम उनको मौका देना चाहते हैं कि उनकी कोशिशें कामयाब हों। आज मुल्क भर के उलमाए कराम, तमाम मकातिफ फ़िक्र के जो कायदीन हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि इस मसले का पुरअमन हल तलाश किया जाए। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात में हम नहीं चाहते किसी किस्म की कोई कशीदा सूरत हाल हो। ये बड़ा ही तकद्दस और बरकत वाला महीना है, और इसके साथ साथ ये भी हमें मालूमात हैं कि इस वाक़े का कुछ मुल्क दुश्मन और साजिशी अनासर फ़ायदा उठाते हुए चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसा सानिया हो, जिससे हकूमत के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहरान पैदा किया जा सके, जो कि बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकता है। इस वक्त हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा खारजी सतह पे बैरूनी साजिशें हैं जिनका मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेकाम से दोचार करना है। तो इसलिए अदालत को मैंने इस्तदा की कि हमें कुछ मौका दिया जाए कि हम जो उलमा और मशायख कोशिशें कर रहे हैं उनके ज़रिए धरना देने वालों को बता सकें कि ख़त्म नबूवत पर कोई इस वक्त मुल्क के अंदर मसला नहीं है। ख़त्म नबूवत का कानून पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है, बल्कि इस हकूमत का कारनामा है कि वो ख़त्म नबूवत का कानून जो 2002 में जनरल मुशर्रफ ने फ़कत 10 दिनों के लिए बनाया था, और 10 दिनों के बाद से 7B 7C की शिकें फौत हो चुकी थी, मफकूद हो चुकी थी, साकत हो चुकी थी। 2002 के उस साकत शुदा कानून को भी हमने हमेशा के लिए कानून साजी करके अपने आइन और कानून का क़यामत तक मुस्तकल हिस्सा बना दिया है, और ये ख़त्म नबूवत पे ईमान रखने वालों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल आज तो मुल्क में ख़त्म नबूवत के परस्तारों के जश्न होने चाहिए, इतनी बड़ी कामयाबी पार्लियामेंट ने हासिल की है, और ख़त्म नबूवत की महाफिज पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम हैं, और ये तासुर देना कि किसी भी लिहाज से ख़त्म नबूवत पे कोई समझौता किया जा सकता है या कोई और मुसलमान कर सकता है, ये नफ़रत फैलाना जुर्म है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सब मुसलमान हैं, हमारा ख़त्म नबूवत पे उतना ही अकीदा है जितना किसी और का, चाहे धरना देने वाला है या कोई और है। इसलिए मैंने अदालत से इस्तदा की है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम इंशाअल्लाह ताला अदालत के हुक्म को इन्फोर्स करेंगे, और बिलखसूस नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी हदायत हैं। आपने फरमाया कि एक उम्मती जिसने रास्ते से रुकावट दूर की, अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में जगह दी और उन्होंने उसे जन्नत में बहुत कुछ देखा। इसी तरह आपने एक और रवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स जिसने रास्ते से कांटों की झाड़ी को हटा दिया कि किसी उम्मती को तकलीफ ना पहुँचे, अल्लाह ताला ने उस पर उसकी बख्शिश कर दी। तो वो हस्ती कि जिसने अपनी उम्मत के तकलीफ़ का इस कदर एहसास किया कि रास्तों से पत्थर या कांटे हटाने पर भी बख्शिश की नवीद सुनाई, हम उस उम्मत के रास्ते बंद करके अस्पताल मरीजों को जाने से रोक दें, तालीम के लिए बच्चों को रोक दें, और कल आपने टीवी पे सुना कि मौसूफ ने कहा कि अगर एक साल भी बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं समझता हूँ कि ये किसी भी लिहाज से उस मुबारक और हस्ती जिस पर हमारा ईमान है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैरोकारों के शायान शान नहीं कि हम उम्मतियों को तकलीफ़ दें, शहरियों को तकलीफ़ दें, उनके रास्ते में कांटे बखेरें कि 15 मिनट का सफ़र जो है तीन तीन और चार चार घंटे की ज़रूरत पड़ता है, मरीज़ दम तोड़ रहे हैं रास्ते में। इसलिए हम एक बार फिर उनसे अपील करते हैं कि ख़त्म नबूवत का कानून पहले से ज़्यादा मौसर हो चुका है। पाकिस्तान में हम सब ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने वाले हैं, मुल्क के हालात इस किसी किस्म के वायलेंस की इजाज़त नहीं देते, मुल्क में खून खराबा नहीं करना चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, इस महीने के तकद्दस के लिए अब इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान करें ताकि हर कोई अपने अपने इलाके में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात को शायान शान तरीके से मना सके। अदालत ने हमें जुमेरात क्या समझ नहीं थे कि इस वक्त हुकूमत या इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। अंदरून शहर जो रुकावटें हैं सरीना चौक इन जगह से रुकावटें आज हटाई जा रही है या नहीं? देखिए इस वक्त हुकूमत का फर्ज है कि जो खदशात हैं उनके पेश नज़र तमाम दफाई या हिफाजती इकदामात बरुए कार लाए। चूँकि जो धरना देने वाले हैं ये जब लाहौर से चले थे तो इन्होंने यकीन दहानी की थी कि ये धरना नहीं देंगे और यहाँ पर पहुँच के इन्होंने फैज़ाबाद पे धरना दिया। लिहाजा हमें किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना होता है। चूँकि यहाँ पर सफारतखाने हैं, यहाँ पर गैर मुल्की लोग भी हैं, पाकिस्तान का इमेज का भी सवाल है। धरने वालों के जो तस्वीर और ख़बरें हैं इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मन लॉबियां पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ये ख़त्म नबूवत की खिदमत नहीं हो रही, अब ये पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में पब्लिसिटी कैंपेन दे रहे हैं। जितना तूल दे रहे हैं उतना पाकिस्तान के दुश्मन इनके धरने को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अदालत ने हमें जुमेरात को दोबारा तलब किया है। हमने आज मुल्क भर से उलमाए कराम को और उनके कायदीन को बुलाया है और हम उलमाए कराम को और मशायख अजाम को चाहते हैं कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें। हम नहीं चाहते वायलेंस हो और मैंने आज अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है। इंतज़ामिया की सरजनिश अदालत ने की तो मैंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को कहा कि मैं वज़ीर दाखला की हैसियत से ज़िम्मेदार हूँ, मेरे हुक्म पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि मैं खून खराबा नहीं चाहता और मैं इसका पुरअमन हल चाहता हूँ, जिसके लिए आप हमें मोहलत दें कि हम पुरअमन तरीके से इस मसले का हल तलाश करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ उलमा के साथ मिलकर, हमें यकीन है कि हम धरने वालों को भी कायल कर लेंगे कि मुल्क का मफाद है और इस महीने के तकद्दस का सवाल है। हम सब मुसलमान हैं, हमें झगड़े और फसाद से बचना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अगले 24 या 48 घंटे में हम इसका हल तलाश कर लेंगे। पंजाब हाउस में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं 1 बजे, क्या उनमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रो देख रहे हैं? देखिए आज हमने 3 बजे तमाम उलमा मशायख को दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी इसमें मदद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम मजहबी क़ियादत के साथ मिलकर जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उससे हमें ज़रूर ब्रेक थ्रू मिलेगा। दूसरे ये भी अहम बात है कि अदालत ने हमें जजमेंट दी है जिसमें डेमोक्रेसी ग्राउंड का तय्यन किया गया है और हमने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में वॉट एवर इट टेक्स किसी को धरना देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चूँकि अदालत ने सख्ती के साथ हदायत की है कि उस अदालती हुक्म के बावजूद ऐसा क्यों हुआ है और इसमें हमारी गफलत से ज़्यादा हमारी खुश फहमी को दखल था। चूँकि हमारी बातचीत हुई थी उसमें हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि ऐसी सूरत नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंतज़ामिया को साफ़ और दो टोक हदायत जारी की जाएंगी कि ऐसी सूरत हाल मुस्तकबिल में